हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लुके सर अनलिमिटेड स्टडी जोन तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सी से तो कल हमने क्लास यहां तक कर ली थी इसके पहले के क्वेश्चन हमने कर लिए थे ओके okay. इसका पार्ट ए एंड बी कर लिया था आज हमको पार्ट सी करना ठीक है तो आइए पार्ट सी स्टार्ट करते हैं चलिए तो पार्ट सी पढ़ना शुरू करते हैं बताइए बेटा पार्ट सी पढ़िए चूज़ दैक्सिक्लो ज़ीरो पढ़िए

कि यहाँ पर x इक्वल टू जीरो कह रहा है ये जो पोजीशन है x इक्वल टू ज़ीरो इस पोजीशन का नाम दे दिया ओके okay? x इक्वल टू जीरो एंड यहाँ पर जो टाइम है दैट इज t इक्वल टू जीरो है टाइम t इक्वल टू जीरो वी द लोकेशन ऑफ़ द टाइम ऑफ द बॉल एट हेट हाईस्ट पॉइंट ये हाइस्ट पॉइंट है यहाँ से बॉल गिरेगी हाइस्ट पॉइंट वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव अब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको क्या लेना है पॉजिटिव मतलब इधर से जो आएगी डायरेक्शन उसको पॉजिटिव कंसिडर करना मतलब ऊपर की ओर क्या कंसिडर होगा निगेटिव एंड गिव द साइन ऑफ द पोजिशन अब देखिए यहाँ पे पोजिशन डाउनवर्ड अगर बॉल जाएगी तो पॉजिटिव होगा कह रहा गिव द साइन ऑफ द पोजिशन वेलासिटी एंड एक्सलेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन तो दोनों कंडीशन बतानी है एक बार आप बॉल को अपवर्ड फेंकोगे एक बार बॉल को डाउनवर्ड फेंकोगे ठीक है ना तो x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर बोथ अप एंड डाउन मोशन तो अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू जीरो पे है ठीक है अगर बॉल ऊपर की ओर जाएगी अगर बॉल ऊपर की ओर जाएगी तो जैसा कि यहाँ कहा गया है कि ऊपर की तरफ मोशन को निगेटिव कंसिडर करना है है ना यस लिखा हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ओके वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस गिव द साइन ऑफ द पोजिशन तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे कि बॉल अपवर्ड यदि जाएगी तो उसको क्या लोगे आप पोजिशन को नेगेटिव लोगे क्योंकि डाउनवर्ड को आपको क्या लेना है पॉजिटिव ठीक है ना वेलोसिटी डाउनवर्ड पॉजिटिव होगी वेलोसिटी अपवर्ड क्या होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड ही लगेगा क्योंकि बॉल ऊपर जाए नीचे जाए उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा तो एवरी टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव है ना अपवर्ड के लिए वेलोसिटी लेस देन जीरो एंड डाउनवर्ड के लिए वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो डन ओके तो यहां पे एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर बोथ अप एंड डाउन ये ये गलत है एक्स क्योंकि अपवर्ड मोशन आप पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्स ग्रेटर देन जीरो ऊपर की तरफ प्लस होगा है ना So, x ग्रेटर दैन जीरो फॉर अपवर्ड एंड एक्स लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो फॉर डाउनवर्ड ये एंड एक्स लेस देन जीरो फॉर अपवर्ड क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोला है चलिए डन टू वॉट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ डज टेक द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड लो भाई साहब कह रहा है कि कितनी हाइट टू वॉट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग कह रहा कि कितनी हाइट तक बॉल राइज करेगी तो पहले आपको तो यू तो देना पड़ेगा भाई साहब इसमें यू दिया नहीं तो मैं दे देता हूँ यू इक्वल्स टू ए बेटा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड ठीक है ना कह रहा कितनी हाइट तक बॉल राइज करेगी तो आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पर निकलेगी जैसे आपने बॉल को फेंका तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है जीरो क्या होती है मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो तो यहाँ से आप जो है वी का कस इस्तेमाल करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस होता है कि नहीं होता है तो एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी लगा दीजिए तो वी की वैल्यू कितनी है जीरो यू की वैल्यू इतनी और टू जी का वैल्यू इतना आंसर होगा फोर्टी फोर पॉइंट वन मीटर डन बेटा क्लियर ना अब कह रहा आफ्टर टाइम कितने टाइम के बाद तो बेटा आपको पता है टाइम नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे जाना तो टोटल उसी पर लौटेगी ये सोनो तो टाइम ऑफ एक तरफ का टाइम निकाल लो दूसरी तरफ का आ जाएगा तो वी इक्वल टू यू प्लस सिटी का यूज़ करके T इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए ओके तो v कितना है जीरो u कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर ए कितना है आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो एक्सलेशन क्या होता है निगेटिव तीन सेकेंड तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हुआ तीन सेकेंड तो लौटने का भी कितना हुआ तीन सेकेंड सो थ्री प्लस थ्री कितना 6. Clear हो गया सिक्स क्लियर हो गया बन जाएगा ना yes. और बाकी बोला तरीका मेरा जो डायरेक्टली है टी इक्वल टू टू यू बाई जी टू यू बाई जी तो टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर अपॉन कितना नाइन पॉइंट एट नौ से कितने बार तीन बार नौ आठ थी चौबीस एट थ्री जो ट्वेंटी फोर और थ्री टू जाकेंड हो गया ठीक है बेटा आंसर आ गया चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट नाइन्टी मीटर ऑन अ फ्लोर एट ईच कॉलीजन विद अ फ्लोर द बॉल लॉस इज वन तेंट ऑफ द स्पीड फ्लॉर द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन फ्रॉम टीवल टू जीरो देखो भाई साहब 90 मीटर से फेंकी गई है ओके द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 90 मीटर 90 मीटर सो बेटा ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 90 मीटर 90 मीटर पे फेंका गया है बोलो यसानो अब जब बॉल नीचे गिरेगी सुविधा so फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना एटी स्क्वायर यस yes. ए इक्वल टू जी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यू कितना है ज़ीरो तो टाइम कितना लगा 4.29 पॉइंट टू नाइन सेकेंड मतलब पहला ड्रॉप जो आया है फर्स्ट बार जो टप्पा गला है ज़मीन पे उसमें टाइम कितना लगा बेटा 4.29 पॉइंट टू नाइन सेकेंड बोलो या सोनो ठीक है अब इतने सेकेंड में वेलोसिटी निकाल लो विद फॉर्मूला भी इक्वल टू यू प्लस 80. है ना यू okay. कितना है जीरो एक्सलेशन कितना है नाइन पॉइंट एट 42.04 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है अब कह रहा है कि हर टक्कर में जो वेलोसिटी है दो दस परसेंट कम हो जाती है हाँ है ना तो वी वेलोसिटी थी वी का दस परसेंट कम कर दो मतलब वी बाई टेन वी का दस परसेंट कितना होगा वी बाई टेन ये सुनो। नहीं बन रहा तो वी मल्टीप्लाई दस परसेंट मतलब अपॉन हंड्रेड तो टेन से कितने बार कट गया टेन बार तो वी बाई टेन तो हुआ ना टेन परसेंट तो वी में से दस परसेंट घट गई तो बची कितनी नाइन वी बाई टेन ये सो नो सो नाइन वी बाई टेन तो नाइन अपॉन टेन और वी की वैल्यू इतनी मतलब जो वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर मीटर पर सेकेंड समझ में आया इतनी वेलोसिटी बची है थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी बची है ठीक है अब ये वेलोसिटी है अब ये वेलोसिटी से बॉल ऊपर जाएगी कहां जाएगी ऊपर और ऊपर जा करके मान लिया इसने इस बॉल ने कितना टाइम लिया टी डैस लिया कितना टाइम लिया टी डैस तो देखते हैं कैसे बनेगा फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू रिवर्स u रिवर्स प्लस ए टी प्लस ए इंटू टी डैस बोलो ये सोनो देखिए तो नीचे वाले पॉइंट से जा करके हाइएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा जीरो हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी हाइएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो पक्का ना सेकंड हाँ हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो यहां से जो वेलोसिटी जा रही है दैट इज यू रिवर्स तो वी इक्वल टू यू रिवर्स प्लस at at डैश क्लियर तो यू रिवर्स तो आपने निकाल ली ना कितना 37.84 37.84 यस yes और नो no? yes. तो 37.84 डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव माना तो अपवर्ड क्या होगा निगेटिव सो जीरो इक्वल्स टू माइनस थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर यू प्लस एक्सेलरेशन कहाँ नीचे एक्ट कर रहा ना एक्सेलेशन <coughs> हाँ तो प्लस नीचे वाले को पॉजिटिव ले रखा है नाइन पॉइंट एट इन कितना टी क्लियर इसको यहाँ ले जाइए सो थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर 37.84 सेवन इक्वल्स टू नाइन टी सो टी इक्वल्स टू थर्टी सेवन पॉइंट एट पॉइंट एट बोले ऐसा सॉल्व कर लीजिए इसको 3.86 सेकंड आ गया आ गया yeah. चलिए तो देखा आपने दो टाइम निकल गया है एक टाइम पहला और एक टाइम दूसरा क्लियर है ठीक yeah. है अब देखिए टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल सो so, पहला टाइम है 4.29 और दूसरा टाइम है 3.86 पॉइंट तो टोटल टाइम हो गया 8.15 पॉइंट सेकेंड ठीक है अब हमको देखो बनाना है ग्राफ बनाना है हमको ज्यादा मतलब नहीं है टाइम तो यहां पर निकाल दिया है इसको 8.15 पॉइंट सेकेंड टोटल टाइम हो गया है चलिए अब आगे देखते हैं बॉल कहाँ तक आ गई है बॉल ऊपर से नीचे टप्पा खाई सबसे पहले फिर नीचे से कहाँ गई है ऊपर ओके यहां तक आ चुका है और यहां तक का टाइम है 3.86 पॉइंट सेकेंड चलिए अब देखिए द वेलोसिटी विद विच बॉल रिबाउंड फ्रॉम द फ्लोर अब दोबारा बॉल नीचे गिरेगी दोबारा बॉल नीचे गिरेगी और बॉल नीचे गिर करके किस वेलोसिटी से वापस आएगी देखिए लास्ट वेलोसिटी क्या थी थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर हाँ है ना फिर से थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर का कितना भाग टेन परसेंट टेन परसेंट कम वन माइनस टेन परसेंट यह सोनो मतलब टेन परसेंट लॉस हो जाता तो बचा कितना नाइन परसेंट सॉरी नाइन्टी परसेंट तो नाइन्टी परसेंट कितना होगा नाइन अपॉइंट टेन तो ये हो गई वेलोसिटी लॉसटी थर्टी फोर पॉइंट जीरो फाइव मीटर पर सेकेंड क्लियर है कि नहीं है इतना हो गया है अब आइए इस ग्राफ को ड्रॉ करने को बोला गया है ठीक है बेटा चलिए ड्रॉ करें तो देखिए ये स्पीड और ये है टाइम ये स्पीड है ये क्या है टाइम देखिए सबसे पहले बॉल की स्पीड कहाँ तक जाती है 42 मीटर पर सेकेंड कितने टाइम में फोर सेकेंड में कहाँ निकाला फर्स्ट वाला देखिए फर्स्ट वाला जो स्पीड आई है बॉल की हमारी फर्स्ट वाली स्पीड जो बॉल की आई है टकराते ही ये देखिए 42.04, 42.04 और विद ए स्पीड ऑफ 42, 4.29 फोर पॉइंट टू नाइन सेकेंड यसा नो यसा नो तो देखिए जैसे ही आपने बॉल को छोड़ा तो यूनिफॉर्मली बॉल की स्पीड क्या होगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी कब तक बढ़ेगी जब तक ये टकरा गई बोलो हाँ ज़मीन से टकराई जमीन से टकराने के बाद बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी क्या हो जाएगी बॉल की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी भाई yes, हाँ ये देखो भाई साहब ये बॉल जो है जमीन तक मैक्सिमम स्पीड से टकराई बोलो यस फिर इसके बाद जो है बॉल अपनी एनर्जी खो करके अगली स्पीड जो बॉल की थी कितनी हो गई थर्टी एट पॉइंट समथिंग टेन परसेंट नाइन्टी परसेंट स्पीड बची ये yes सोनो टी एट पॉइंट समथिंग देखो <coughs> ये देखिए थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर ठीक है ना थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर से बॉल रिबाउंड हो करके ऊपर की तरफ उठती है ठीक यहां पे थर्टी सेवन पॉइंट एट फोर आएगा बट एक प्रॉब्लम मेरे को यहां पर ग्राफ में लग रहा है कि ये जो ग्राफ है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है इस ग्राफ को तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए क्यों क्यों जाना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में अच्छा ये स्पीड जा रही है बेटा ओके एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कभी निगेटिव होती नहीं है मैं डिस्प्लेसमेंट अगर सोच रहा था तो निगेटिव हो जाता चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है तो देखो बेटा जैसे ही है, ये है स्पीड ये बॉल की थी बोलो हाँ अब बॉल की स्पीड धीरे 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 कम होना शुरू हो गई हो गई बोलो ये सोनो एट पॉइंट समथिंग सेकेंड में जाकर के बॉल जो है टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएगी देखो एट पॉइंट समथिंग सेकेंड में निकला था ना ये देखो एट पॉइंट वन फाइव एट पॉइंट वन फाइव क्या हुआ था बॉल ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे गई थी और नीचे से ऊपर आ गई कितना समय हो गया एट पॉइंट वन फाइव एट पॉइंट वन फाइव अब ये देखो बॉल यहाँ पे आ चुकी है एट पॉइंट वन फाइव अब फिर से बॉल क्या हो रही है रिबाउंड हो रही है क्या हो रही है रिबाउंड हो रही है और बॉल की स्पीड फिर से बढ़ना शुरू हो रही है तो ये देखिए बॉल की स्पीड फिर से बढ़ना शुरू हो गई कितनी हो गई थर्टी फोर पॉइंट जीरो फ़ाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है ना थर्टी फोर पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव मीटर पर सेकेंड की स्पीड बॉल की हो गई है एंड टोटल टाइम यहाँ तक का एट पॉइंट वन फाइव तक आ चुके थे और बॉल की स्पीड मैक्सिमम हो गई है यहाँ पर बढ़ी है कितना थर्टी फोर पॉइंट जीरो फाइव मीटर पर सेकंड यहाँ तक 12.01 पॉइंट जीरो वन में ओके okay. क्या पूछना है बोलो रिबाउंड जिस वेलोसिटी से रिबाउंड करती है ओके okay? जिस वेलोसिटी से रिबाउंड करती है तो स्पीड जो है बॉल की <laughs> यहाँ से रिबाउंड करेगी ये देखो ये रिबाउंड शुरू हो गया ठीक है ना फिर कम होना शुरू हो जाएगी ठीक है आगे समझ में एक बार फिर से बताया जाए चलो फिर से बताते हैं एक बार देखो सबसे पहले क्या हुआ है बेटा सबसे पहले आपने बॉल को बॉल को जो है आपने ऊपर से थ्रो किया है ड्रॉप किया है 90 मीटर की हाइट से 90 मीटर की हाइट से ठीक ना तो और आपको कौन सा ग्राफ बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा ग्राफ बनाना है स्पीड तो ये है स्पीड है और ये है टाइम तो 90 मीटर की हाइट से किस वेलोसिटी से ड्रॉप किया है? जीरो से कितने से ड्रॉप तो जीरो से किया है अब बॉल जाकर के टकराई जमीन पे बोलो यस जमीन पे टकराने का समय बॉल का कितना है 4.29 पॉइंट टू नाइन सेकेंड हाँ है ना टकराते समय बॉल की स्पीड शुरुआत में बॉल गिरी बोलो हां स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई जस्ट टकराते समय बॉल की स्पीड क्या होगी मैक्सिमम कितनी होगी मैक्सिमम 42.04 ये देखो बॉल टकराई गई 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 ये टकराई खटाक से हाँ ना स्पीड कितनी है फोर्टी टू पॉइंट फोर बोलो हाँ अब जैसे ही बॉल जमीन पे टकराती है ये अपनी वेलोसिटी का नाइन बाई टेन पार्ट रखती है वन बाई टेन लुटा देती है हाँ है ना वन टेंथ पार्ट लुटा देती है नाइन बाई टेन पार्ट मतलब 42 का 9 बाई टेन पार्ट ये देखो 42 का 9 बाई टेन पार्ट मतलब 37.84 37.84 स्पीड पे आ जाती बोलो हाँ अब बॉल कहाँ आई है ऊपर से नीचे बोलो हाँ अब यहाँ पर स्पीड कितनी है 37.84 yeah. अब इसको लेकर के बॉल ऊपर जाएगी और स्लो डाउन हो जाएगी नहीं yeah. ये देखो इसको लेकर के बॉल ऊपर गई और यहाँ पर किस में आ गई रेस्ट में आ गई बोलो हां। yeah. हाँ है ना पक्का yeah. इतने पे रेस्ट पे आ गई 8.1 पॉइंट सेकेंड पे फिर इसके बाद बॉल फिर से इंक्रीज होना क्या हो गई शुरू हो गई हो गई ये बॉल फिर से इंक्रीज होना स्पीड शुरू बोलो हाँ इस पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम है फिर टकराएगी फिर स्पीड कम हो जाएगी आ गया समझ में तो बस ये निकालते जाओ और ड्रॉ करते जाओ ठीक है ना देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना इनमें एक बार में कॉन्फिडेंस किसी को नहीं आ सकता है समझ गए ना बिकॉज ये क्वेश्चन है बेटा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन एक बार में तुम सोचो कि मैं यहाँ से पढ़ा के भेजूँ और तुम सोचो कि तुमसे एक बार में बन जाए वन टाइम नहीं बनेगा इसको कॉपी में तुमको एक दो बार लगाना पड़ेगा ठीक है ना इतने डिफिकल्ट है आपने ऐसे क्वेश्चन लाइफ में कभी लगाया ही नहीं कभी तो कैसे बन जाएंगे भाई नहीं किसी से नहीं बनेंगे ना <coughs> लो भाई अगला क्वेश्चन तो सरल है अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट टू पॉइंट फाइव किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ फाइव किलोमीटर पर आवर फाइंड द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली रन एंड वॉक बैक विद स्पीड ऑफ सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज बेलॉसिटी भाई जीरो लौट करके आ गया है, है ना एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल जीरो टू थर्टी मिनट एंड जीरो टू फिफ्टी मिनट ठीक है भाई साहब देखिए जीरो अच्छा घर वापस पूरा नहीं लौटा हाँ आ गई है एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई भाई साहब जीरो बिल्कुल सही है वापस आ गया अब देखो सीन क्या है भाई साहब बंदा जो है ढाई किलोमीटर जाता है और पाँच की स्पीड से बोलो हाँ तो कितना टाइम लगेगा उसको थर्टी मिनट और टाइम टेकन बाई द मैन टू रीच द होम फ्रॉम द मार्केट फिर ढाई किलोमीटर वापस आता है स्पीड कितनी साढ़े सात तो कितना लगा बीस मिनट कितना लगा बीस मिनट बोलिए सोनो टोटल टाइम थर्टी प्लस ट्वेंटी इक्वल टू फिफ्टी मिनट ठीक है ना एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक तरफ का तो एक तरफ की एवरेज वेलोसिटी 2.5 डिस्टेंस है बोलो हाँ है हाँ ना और टाइम कितना 30 मिनट बोले तो हाफ एन आवर आंसर कितना 5 किलोमीटर पर आवर एक तरफ का ठीक है लॉड करके आने की एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जाने की एवरेज स्पीड डिस्टेंस कितनी टू टाइम कितना वन बाई टू फ़ाइव किलोमीटर पर आवर बेटा ये एवरेज स्पीड है आ गया समझ में ना अब देखो टोटल टाइम 30 मिनट जाना और 20 मिनट आना यानी 50 मिनट 50 मिनट मतलब कितना टाइम 5 बाई सिक्स आवर हाँ है ना मैं तो कुछ करूँगी है ना डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो अब देखिए डिस्टेंस ढाई जाना ढाई आना यानी पाँच किलोमीटर हाँ है ना और टाइम कितना फाइव बाई सिक्स पाँच से पाँच कैंसिल छः ऊपर गया आंसर कितना सिक्स किलोमीटर पर आवर क्लियर है चलिए अब अगला है जीरो टू फोर्टी मिनट में क्या हालचाल है डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के ठीक है ना <coughs> हाँ अब ये आगे कथा कहानी लिखी हुई है कोई दिक्कत ना है इसको हम पढ़ नहीं पढ़ेंगे हम तो अपना काम करेंगे चलिए जीरो से लेके फोर्टी मिनट में आपको बताना है कि क्या है भाई स्पीड ऑफ द मैन सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर स्पीड ऑफ द मैन दैट इज इक्वल टू 7.5 पॉइंट फाइव किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट थर्टी मिनट इक्वल टू टू हमको निकालना है हिसाब किताब किसका 40 मिनट का किसका निकालना है 40 मिनट का अब देखिए जो आपने स्पीड निकाली है एवरेज स्पीड पूरे की पूरे की एवरेज स्पीड आपने निकाली है वो निकाली है सिक्स किलोमीटर पर आवर कितनी निकाली है सिक्स किलोमीटर बराबर आपको चालीस सेकेंड का हिसाब किताब निकालना है कि चालीस सेकेंड में कितना होगा ठीक है ना चालीस सेकेंड में आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों आपको निकालना है चालीस सेकेंड का <coughs> <coughs> तो तीस सेकेंड में तो ढाई किलोमीटर चल गया है बोलिए यस तीस सेकेंड में कितना चल गया है ढाई किलोमीटर शुरू के 30 सेकंड में जो चला है वो ढाई किलोमीटर चला है और 30 मिनट में सॉरी 30 सेकंड में नहीं 30 मिनट में कितना चल गया ढाई किलोमीटर और आवक देखिए कि जब लौट रहा है जब लौट रहा है तब अगले 20 मिनट में अगले कितने मिनट में 20 मिनट में 20 मिनट में ये निकाला था मैंने अगले 20 मिनट में कितना चल रहा था 2.5 किलोमीटर कितना चल रहा था टू फाइव किलोमीटर ये सॉरी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो स्पीड कितनी थी सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर और डिस्टेंस कितना चला था टू पॉइंट फाइव यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा कि भाई साहब तुम दस मिनट में कितना चलते हो तो ट्वेंटी मिनट में चल कितना चलता है टू पॉइंट फाइव समझो ऐसा ट्वेंटी मिनट में कितना चलता है टू पॉइंट फाइव तो टेन मिनट में कितना चलेगा टू पॉइंट फाइव अपॉन टेन फॉन टेन मल्टीप्लाई बाई सॉरी उल्टा हो गया मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी इन टू टेन समझ में आया कैसे हुआ नहीं आया yes. फिर से देखो ट्वेंटी मिनट में टू पॉइंट फाइव चलता है तो ट्वेंटी मिनट में अगर बेटा टू पॉइंट फाइव मीटर चलता है किलोमीटर चलता है तो वन मिनट में कितना चलेगा टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी किलोमीटर बोलो यस yes. तो अपन को कितना चाहिए टेन मिनट तो टेन का मल्टीप्लाई कर दो तो टेन मिनट में yes. टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन डिवाइड बाई कितना टू है ना तो दो से गए पाँच 20 हाँ ट्वेंटी होगा जीरो ज़ीरो कैंसिल हो गए yes, तो नीचे कितना बचा टू बच गया ना yes, हाँ तो कितना टू पॉइंट फाइव बाई टू मतलब कि कितना वन पॉइंट टू फाइव हुआ yes, मतलब वन पॉइंट टू फाइव किलोमीटर बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा yes. ये देखो बन गया टेन मिनट में बन गया ना वन yes. पॉइंट टू फाइव किलोमीटर अब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है अपन को <coughs> भाई 10 2.5 आगे गया कितने मिनट में 30 मिनट में गया 2.5 आगे गया 30 मिनट में और अगले 10 मिनट में वापस आ गया कितना 1.25 तो टोटल तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 1.25 पॉइंट एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपऑन टाइम बोलो हाँ तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1.25 है टोटल अपऑन टाइम कितने मिनट 40 मिनट तो 40 मिनट एक फोर फिफ्टी अपॉन सिक्सटी आवर्स सॉल्व करके इतना आ गया क्लियर है yes, टोटल डिस्टेंस 2.5 इधर की और वन पॉइंट इधर की तो आंसर कितना हो गया 3.75 और अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो 3.75 पॉइंट अपॉन टाइम समझ में आए ना yes. तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगी हुई है मतलब एक के लिए इतना अनेक के लिए इतना तो एक के लिए कितना yes. ठीक है ना टाइम को तोड़ दिया गया है बोलो समझ में आ गया yes, चलिए भाई ठीक अच्छी बात है अगला क्वेश्चन ए थ्री व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलेट यूनिफॉर्मली विद मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम टेन सेकंड एंड देन मूव विद ए यूनिफॉर्म आ क्या बात है भाई साहब पहले चलता है एक्सेलरेशन से थ्री व्हीलर है ऑटो पहले एक्सेलरेट करता है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ ah, बोलो हाँ yes. कितने सेकेंड के लिए दस सेकेंड के लिए कितने सेकेंड के लिए दस सेकेंड के लिए hmm. है ना स्टार्ट करता है रेस्ट से तो बेटा व्हीक्वल टू यू प्लस एटी लगेगा व्हीक्वल टू यू प्लस एटी तो यू कितना है जीरो एक्सलेशन कितना है वन और कितना टेन मतलब फाइनल स्पीड इसकी पहुंच गई टेन बोलो हाँ टेन पे पहुंच गई और टेन पे चलने के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तो यूनिफॉर्म कितना कमा लिया दस मीटर पर सेकेंड से ही तो चलेगा पहले जीरो था जीरो से दस पे आया देन इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्लाट द डिस्टेंस बाई व्हीकल डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल ड्यूरिंग एन सेकंड एन इक्वल टू वन टू थ्री वर्सेस एन ठीक अच्छी बात है बेटा सेकंड है क्या ये सेकेंड है तो शुरुआत में तो एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो अपन को डिस्टेंस बनानी है वॉट डू एक्सेप्ट दिस प्लॉट टू बी ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन स्ट्रेट लाइन और अ पैराबोला पैरा बोला क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा जाएगा वॉट डू एक मिनट गुड इवनिंग वॉट डू यू एक्सेप्ट दिस प्लॉट टू बी ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेटेड मोशन में ये ग्राफ कैसा होगा एक मिनट तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है एक्सलेशन क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो देख लेते हैं एक्सेलरेशन अगर कॉन्स्टेंट है तो कैसा होगा चलो बना लेता हूँ मैं यहाँ पे तो एक्सलेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ठीक है ना एक्सलेशन क्या है कॉन्स्टेंट है एक्सेप्ट दिस प्लॉट टू बी कौन सा ग्राफ है डिस्टेंस कवर्ड प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द व्हीकल ड्यूरिंग एन सेकेंड वॉट डू यू एक्सेप्ट दिस प्लॉट टू बी ड्यूरिंग दिस एक्सलेटेड मोशन स्ट्रेट लाइन और पैराबोला यार बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और कह रहा है यहाँ पे आंसर मैंने स्ट्रेट लाइन दिया है चलिए देख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है तो डिस्टेंस का टाइम ग्राफ के साथ स्ट्रेट लाइन यहां पे फॉर्मूले में तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है बिल्कुल सही है ओके okay, चलिए आगे समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है अपन को और एक्सलरेटेड मोशन है ओके okay, ठीक है भाई इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा चलो कैसे होगा <coughs> देखिए हमको बनाना है एंथ सेकेंड में चली हुई डिस्टेंस तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन एन सेकेंड डी एन मान लो जिसको एस एन निकाला था इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन ये सनो यू कितनी है जीरो यू कितनी है जीरो तो पुट कर दोगे तो डी एन यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू वन अपॉइंट टू और एक्सलेशन कितना है वन तो वन बाई टू टू एन माइनस वन हाँ तो सही बात है ना डिस्टेंस क्या हो गई एन के क्या हो गई प्रोपोर्शनल टाइम के क्या हो गई प्रोपोर्शनल और पावर कितनी है वन है पावर कितनी है वन है तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर डिस्टेंस का ग्राफ एन के साथ कितना आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ठीक है ना हम्म कोई दिक्कत नहीं है मैं जो ग्राफ बता रहा था वो किसका बता रहा था मैं बता रहा था डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ तो मैंने पहले भी पढ़ाया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डबल पावर से वेरी करता है मगर यहां पर क्या पूछा है इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछी है इसने एंथ सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट पूछी है तो जो एंथ सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट आएगी वो डायरेक्टली प्रपोशनल आ रही एन के देख लो कैसे आ रही भाई अपन पढ़ चुके हैं ना एनथ सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू और टाइम टू एन माइनस वन जिस सेकेंड की बात कर रहे हो तो यू कितना है जीरो है ना तो जीरो प्लस एक्सलेशन कितना है वन अपॉन टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन तो एस एन इक्वल टू टू एन माइनस वन बाई टू दे टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया एन माइनस वन अपॉन टू एन की पावर क्या है वन है तो जब पावर वन होती है तो कैसा ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा जाता है <coughs> ये देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया है ठीक है ना <coughs> अब देखिए यहां पर आपसे डिस्टेंस पूछी गई है तो एन की वैल्यूज वन सेकेंड में टू सेकेंड में थ्री सेकेंड, सेकेंड में रखते जाइए और इस फॉर्मूले में आप रखते जाओ चलो कुछ रख के मैं दिखा दूं क्या एन की वैल्यू वन डालूं तो एन की वैल्यू वन पर टू वन या टू और टू माइनस वन कितना वन तो कितना हो गया वन बाई टू वन बाई टू मतलब जीरो पॉइंट फाइव ये देखो हाँ ना मतलब वन सेकेंड में पोजीशन क्या थी जीरो पॉइंट फाइव ऐसे टू सेकेंड में ऐसे थ्री सेकेंड में बढ़ती जाएगी ये दोनों को जो आपका क्या बन गया स्ट्रेट लाइन बोलो आ गया समझ में ना तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया है डन क्वेश्चन खत्म हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अर फिक्स डायरेक्शन इज सोन भैया देखो स्पीड बढ़ रही है स्पीड फिर घट रही है यह yes, सोनो अब कह रहा है कि ऑप्टेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो टू टेन सेकेंड टेन सेकेंड में आपको डिस्टेंस निकालना है टेन सेकेंड में क्या निकालना है आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा डिस्टेंस ही तो देगा स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा तो बस इसका एरिया निकाल लो तो डिस्टेंस आ जाएगी दस सेकेंड की और टी इक्वल टू टू सेकेंड टू सिक्स सेकेंड अच्छा मतलब दो सेकेंड से लेके सिक्स सेकेंड तक की भी आपको क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है वॉट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल ए एंड बी और साथ ही साथ कह रहा है कि इसमें एवरेज स्पीड बताओ पार्टिकल की एवरेज स्पीड टोटल ठीक है ना चलो पहला पार्ट करते हैं देखो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ हाँ या ना बच्चों एरिया निकालना है ग्राफ का बेटा क्या बनेगा हाफ बेस इंटू हाइट हाफ बेस इंटू हाइट एरिया हाफ बेस यहां से यहां तक है तो 10 में से जीरो गया था कितना हुआ दस और हाइट कितनी की भाई साहब यहाँ से देखो हाइट बारह की कितने की है दिख रहा है ना yes. तो बारह से कितने बार गया छः बार छः गुणे दस कितना हुआ सिक्सटी आंसर कितना हुआ सिक्सटी मीटर ये yes सुनो no? yes. तो टोटल डिस्टेंस कितना चल गया सिक्सटी मीटर कितना चल गया सिक्सटी मीटर ना टोटल डिस्टेंस इक्वल टू सिक्सटी आ चुकी है ना एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस सिक्सटी और टाइम कितना टेन तो आंसर हो गया सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है ना क्लियर है चलो अब सेकेंड पार्ट इसका भयंकर खतरनाक है सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है वॉट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग इंटरवल ए एंड बी एक ए इंटरवल है ए इंटरवल है जीरो से लेके दस वो तो हम निकाल चुके और दूसरा क्या है दो सेकेंड से लेके कर छः सेकेंड दो सेकेंड से लेके छः सेकेंड दिख रहा है yes, दो सेकेंड कहाँ पे होगा यार ये परेशान कर रहा है दो सेकेंड देखो दो सेकेंड यहाँ पे होगा होगा ना जीरो के बाद एक एक के बाद दो और दो के बाद यहाँ पे कितना छः सेकेंड यहाँ पे होगा छः सेकेंड तो दो से लेकर छः सेकेंड तक की तुमको एवरेज स्पीड निकालनी है दो से लेकर छः सेकेंड तक की क्या निकालनी है एवरेज स्पीड आओ निकालते हैं कैसे निकालते हैं देखो <clears throat> हाँ तो दो से लेकर के छः सेकेंड के लिए देखो हम मान लेते हैं दो से लेकर छः सेकेंड को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं कितने पार्ट में दो पार्ट में क्योंकि ग्राफ उठा है हमारा एक तो मान लिया मैंने दो से लेके पाँच दो से लेके पांच पाँच यहाँ तक की डिस्टेंस और दूसरा पाँच से लेके छः पाँच से लेके छह ये देखो दो पार्ट में दो से पाँच और पाँच से लेके छह एक को मान लिया एस वन एक को मान लिया एस टू अब दो से लेके पाँच तक में कितने गैप होता है तीन तीन सेकेंड होता कि नहीं होता दो से लेके पाँच में कितना सेकेंड होता है तीन सेकेंड तीन सेकेंड है इक्वेशन लगाते हैं व्हीक क्वल टू यू प्लस ए टी का वीक क्वल टू यू प्लस ए टी का ये देखिए वीक क्वल टू यू प्लस ए टी बेटा समझना वीक क्वल टू यू प्लस ए टी अगर मैं स्टार्टिंग से इक्वेशन लगाऊं एक्सलेशन लगाऊं यहाँ पर कितनी स्पीड थी बोलो जीरो यहाँ पर कितनी थी बेटा बारह एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है कि नहीं है है ना स्ट्रेट लाइन है तो एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कॉन्स्टेंट है तो एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है मैं लगाता हूँ व्ही क्ल टू यू प्लस ए टी तो व्ही है बारह यू कितना है जीरो एक्सलेशन है ए और टाइम कितना है यहां से यहां तक का पांच सेकेंड yes. है कि नहीं है yes. तो 5 सेकेंड तक में एक्सलेशन कितना चल रहा है टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फोर इसी एक्सेलेरेशन को लेकर मैं दो सेकेंड से लेकर पांच सेकेंड तक की बात करता हूं yes. बोलो हां yes. हां तो इसी एक्सेलेरेशन को लेकर के मैं लगाता हूं अगेन व्हीक्वल टू यू प्लस ए टी से तो वी इक्वल टू यू कितना है जीरो और ए टू पॉइंट फोर कहाँ एक्सलेशन कितना टू पॉइंट फोर और टाइम कहाँ तक का टू सेकेंड तक का टाइम कहाँ तक का टू सेकेंड तक का बोलो यहाँ पर स्पीड कितनी दिख गई हमको फोर पॉइंट एट दिखी कि नहीं दिखी yes. देखो कोई भी चीज ज़बरदस्ती हाँ मत कहना नहीं समझ में आए तो वहीं पर ना बोलना और दोबारा समझो फिर से समझो इस बात को मैंने यहाँ पर स्पीड निकालनी है इस पॉइंट पर दो पे और फिर पाँच पे निकालूंगा बोलो यस yes. तो दो पे स्पीड निकालनी थी तो फिक्वल टू यू प्लस एट ही बोलो हाँ यू कितना है जीरो वी निकालना है एक्सेलेशन कितना काम कर रहा है ये निकाल रखा है 2.4 और टाइम कितने सेकंड दो सेकंड तो इस पर स्पीड कितनी आ गई फोर पॉइंट एट आ गई 4.8 क्लियर अब 4.8 की स्पीड से आगे कितने सेकंड है दो सेकंड पे हो तीन चार पांच मतलब तीन सेकंड तक की डिस्टेंस निकालनी कि नहीं निकालनी दो सेकंड पे हो पांच सेकंड पे जाना है तो कितना सेकंड हुआ तीन सेकंड हुआ ना तो बेटा तीन सेकेंड दो से पांच सेकेंड तक का तीन सेकेंड का गैप हुआ एस वन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू बोलो कितना है फोर पॉइंट एट टाइम कितने सेकेंड तीन सेकेंड हाफ ए टी स्क्वायर टोटल डिस्टेंस आगे कितनी ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू कहाँ से कहां दो से लेकर के फाइव तक की बोलो यसनू अब आगे आपने देखा यहां से यहां तक क्या हुआ डीएक्सलेशन हुआ है बारह पे थी बोलो हाँ और कहाँ पे पहुंच गई थी जीरो पे कहाँ पे पहुंच गई थी जीरो पे कितने सेकंड में भाई साहब ऊपर पता है देख लेते हैं हाँ देखिए पाँच सेकंड में कितने पहुँच गई थी पाँच पे बोलो ये नो पाँच सेकेंड पे बारह से ज़ीरो पे पहुँच गई थी ना तो भैया एक्सेलरेशन डी एक्सेलेशन निकाल लो उतना ही आएगा माइनस टू पॉइंट फोर माइनस टू पॉइंट फोर अब माइनस टू पॉइंट फोर के एक्सेलरेशन के रेट से मेरे को पाँच से लेकर के छः तक का काउंट करनी डिस्टेंस दिस, की नहीं काउंट करनी तो पाँच पर वेलासिटी कितनी थी हाइएस्ट बारह कितनी थी बारह थी कि नहीं थी और छः यानी कि एक सेकेंड का गैप है है कि नहीं है फॉर्मूला लगा दो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पक्का u कितना है बारह लिखता हूँ यहाँ पे बारह इंटू टी मतलब एक सेकेंड का गैप प्लस वन आ टू एक्सलेशन कितना है माइनस टू पॉइंट फोर वन का स्क्वायर तो डिस्टेंस कितनी आ गई टेन पॉइंट एट तो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू से लेके टेन पॉइंट एट टोटल तो कितना होगा छत्तीस मीटर अब आपको एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टाइम कितना है तीन सेकेंड इधर का और एक सेकेंड इधर का टोटल कितने सेकेंड चार सेकेंड तो आंसर कितना आ गया नाइन मीटर पर सेकेंड क्लियर है बेटा तो भाई अब ये क्वेश्चन उसी को समझ में आया जिसने पूरा का पूरा ध्यान दिया है बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है है कि नहीं है देख लो भाई साहब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ किया क्या क्या अपन ने ग्राफ में आपसे ये वाला पार्टी वाला पर बहुत तगड़ा है दो से लेकर के छः सेकंड तक का तो दो से लेके छह सेकंड के लिए सबसे पहले दो से लेके पांच तक की डिस्टेंस निकाली हाँ है ना और फिर पांच से लेके कहाँ तक की छह तक की हाँ है ना तो फिर और फिर दो से लेके छह तक टोटल डिस्टेंस निकाल के टाइम का डिवाइड कर दिया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गया एवरेज स्पीड ठीक है तो गाइज ये रहा हमारा पूरा कार्यक्रम इस चैप्टर का सारी की सारी शीट हमने यहाँ पे कर ली है फिनिश दो सीटें दो सौ सीटें हैं ना अब इसके बाद हमारे इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है मोशन में तबाह कर दिया मोशन बर्बाद कर दिया है अब आप इसके क्वेश्चंस लगाने हैं आपको और क्वेश्चन सीखने हैं आपके कोई और डाउट हैं तो प्लीज़ बताइए चलिए ये क्वेश्चन फिर से डाउट है भाई कार वाला देखिए ऑन अ टू लेन रोड अ कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर एक कार है भैया जो थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ठीक है टू लेन रोड है टू लेन रोड समझते हो एक जाने की और एक आने की एक जाने की और एक आने की जैसे अपने घर के सामने की रोड एक टाइम में एक गाड़ी जा सकती है एक टाइम में गाड़ी आ सकती आ है ऑन अ टू लेन रोड कार ए ए स्पीड किलोमीटर पर आवर ये बेटा कार ट्रेवल कर रही है विद ए स्पीड थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर ठीक है टू कार्स बी एन सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन अब यहां पर ये कार ए भग रही है इधर से बी आ रही है इधर से सी आ रही है सपोज यहाँ से बी आ रही है और यहाँ से सी आ रही है आ रही है ठीक है ना अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है किस में आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है ना अब बेटा ये समझो कि जैसे ये सामने आएंगी तो इसके पैरेलल वाली लेन में या तो सी को जाना पड़ेगा या बी को जाना पड़ेगा क्योंकि एक लेन में तो रह नहीं सकती है बोलो हाँ <coughs> हाँ अब दोनों की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर बोलो हां 54 किलोमीटर जितनी दूरी पे ये है इससे एक किलोमीटर की दूरी पर है और ये भी कितने की दूरी पर है एक किलोमीटर अगर ऐसे चलता रहा तो ये दोनों पक्का भिड़ेंगी बोलो हां क्योंकि इन दोनों की रिलेटिव एलोसिटी कितनी है जीरो ये भी चौवन पे है ये भी चौवन पे है बोलो हां चलती जाएंगी चलती जाएंगी जैसे इसका एक किलोमीटर खत्म होगा वैसे इसका एक किलोमीटर खत्म होगा दोनों भूम भड़ाम हो जाएगा हाँ है ना तो क्या करना पड़ेगा किसी ना किसी को ओवरटेक करना पड़ेगा बोलो हाँ या तो ये इसको ओवरटेक कर जाए सी वाली को या सी वाला बी वाले को ओवरटेक कर जाए बोलो पक्की बात हाँ तो ठीक है एट अ सर्टेन इंस्टेंट वेन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी जिस समय ए की बी से दूरी ए की सी से दूरी से क्या है इक्वल है और दोनों क्या है एक किलो एक, किलो, एक किलोमीटर कितना है एक किलोमीटर बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए बी ने डिसाइड किया है मैं ए को ओवरटेक करूंगा मैं ए को ओवरटेक करूंगा बी ने डिसाइड कर लिया है मैं ए को ओवरटेक करूंगा ठीक है ए बिफोर सी डस जब जैसे सी ओवरटेक करेगी मैं उससे पहले ओवरटेक करूंगा बोलो हां वॉट मिनिमम एक्सलेशन ऑफ कार बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट कार बी का एक्सलेशन कितना होना चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो एक्सीडेंट ना हो चलो आ गया क्वेश्चन समझ में चलिए कार ए की स्पीड बी की स्पीड सी की स्पीड देखो बेटा ये सीन है बोलो हां बी की स्पीड क्या है बेटा देखो पंद्रह कार की स्पीड ए की कितनी है दस बोलो हां yes. कार ए की स्पीड कितनी है दस मीटर पर सेकंड में है ना yes. कार बी की स्पीड कितनी है पंद्रह बोलो हाँ और कार सी की स्पीड भी कितनी है पंद्रह बोलो हां अब तुम देखो यहां से अगर ए के रिलेट में देखो तो बी की स्पीड कितनी हुई पंद्रह माइनस दस यानी कि पांच मीटर पर सेकेंड बोलो हाँ और सी के रिलेट में देखो यदि स्पीड सी की ए के रिलेट में देखो तो ए तो इधर आ रही है बोलो हाँ सी इधर भग रही तो पंद्रह प्लस दस यानी पच्चीस बोलो या सानो मतलब एक ही तरफ ये तेजी से आ रही है और ये स्लो आ रही है बोलो हाँ अब बी चाहता है कि मैं इसको ओवरटेक कर जाऊं बी चाहता है मैं इसको ए को ओवरटेक कर जाऊं बोलो यस तो भाई ये हो गया पच्चीस हो गई इसकी स्पीड अब किसी मोमेंट पर दोनों के बीच की दूरी बी और सी के बीच की दूरी कितनी है वन थाउजेंड मीटर बोलो हा ना वन मीटर है अब इस तरीके से कार सी को कार सी को कार ए तक पहुंचने में लगा समय कार सी को कार ए तक मतलब एक्सीडेंट होने में लगा समय देख बेटा कार सी है कार ए तक पहुंचने में लगा समय डिस्टेंस है, कितनी है वन थाउजेंड और रिलेटिव स्पीड कितनी है पच्चीस यानी कितने सेकंड लगेगा चालीस मतलब चालीस में आके भूम भड़ाम हो जाएगी बोलो हाँ क्लियर मगर अगर ये आ गई यहां पे तो ये नीचे वाली लेन से निकाल लेगी हाँ है ना yes, पक्का yes, मगर तब निकाल पाएगी जब यहां पे बी ना हो बी ना yes, हो बी मतलब पक्का इसके आगे भगा ले जाएगा yes, समझ गए ना yes. बोलो समझ में yes, तो मतलब बी के पास कुछ कारनामा करने के लिए केवल कितने सेकेंड मौजूद हैं चालीस yes, सेकेंड और बी को इन चालीस सेकेंड में कितना ट्रेवल करना है एक मीटर कितना ट्रेवल करना है एक से ज्यादा एक से ज्यादा तो मैं मिनिमम एक हज़ार मान के चल रहा हूँ है ना yes. क्योंकि भैया एक्सेलरेट जब होगा तो ऐसा तो नहीं कि एक ही हज़ार कर पाएगा आगे निकाल लेगा तो मैं एक हजार मिनिमम मान के चल रहा हूं मिनिमम ये सो तो डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोलो एक हजार प्लस यू रिलेटिव स्पीड कितनी है कार की पाँच है ना यूटी चालीस सेकेंड है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा सॉल्व करने पर ए कितना आ गया वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन मिनिमम वन या वन से ज्यादा होना चाहिए हा है ना yes. कम से कम एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सोलेशन होगा yes. तो कार इसको निकाल ले जाएगी डन yes. बेटा yes, पक्की बात yes. चलो और बताओ कौन सा नहीं बना yes. चलिए देखिए कह रहा है स्टेब्लिश यूएस कॉल डू यू टी प्लस हाफ एडी स्क्वायर बाई वी टाइमग्राफ बहुत ही सिंपल है भाई टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको डिस्प्लेसमेंट तो yes ये इनिशियल स्पीड कितनी इसकी यू बोलो हाँ फाइनल स्पीड कितनी है वी तो एरिया निकाल लो तो एरिया इज इक्वल्स टू एरिया क्या होता Displacement equal to one upon two, है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वन अपॉन टू बोलो यस सम ऑफ पैरेलल साइड एक यू है एक वी है यू प्लस वी बोलो यस नो इनटू डिस्टेंस